का करता था, स्कूल की फीस हमेशा लेट फाइन के साथ रहता था, लेकिन स्कूल का डायरेक्टर अपने ही थे, पापा के जाने पहचान तो नहीं, तो लेट फाइन का ही देना नहीं पड़ता था। उस वक्त लगता था कि ये प्राइवेट स्कूलों की फीस कितनी ज्यादा रहती, काश कहीं फी कमी रहती तो अच्छा रहता, या फिर फ्री की पढ़ाई रहती। पापा के किसी एक दुकानदार ने जेनवी के बारे में बताया, तो पापा ने उनके कहने पर जेनवी का फॉर्म भरवाया, रिजल्ट भी हो गया, बहुत ही अच्छा लगा, जेनवी में आए। पढ़ाई करते करते बहुत सारी बातें मुझे सीखने को मिली। सबसे अहम एक्सपीरियंस था कि कोई एक व्यक्ति अकेला कैसे रह सकता है, मतलब घर परिवार से दूर, अपने आप को किस प्रकार सृजनात्मक विकास के साथ खुद को डेवलप कर पाता है। यहाँ आकर मैंने बहुत सारे स्किल्स सीखे, पढ़ाई तो यहाँ बहुत बेहतर रही, ऐसी सुविधा शायद किसी प्राइवेट स्कूल में ना ही मिल सकती है। जैसे हम लोग तो सेंटर भी जा रहे, तो उस प्राइवेट स्कूल की दशा देख कर हम लोग अंदाजा लगा ही पा रहे हैं कि हमारे जन भी बाकी स्कूलों से बहुत हद तक आगे है। यहाँ रहकर सर्वांगीण विकास का मुझे झलक मिलता है। अगर मैं जयंती नहीं आता तो आज इस काबिल नहीं बन पाता। पढ़ाई तो कर ही लेता कहीं से भी, लेकिन अभी जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ वो जयंती के बदौलत ही है। धन्यवाद।